पंचकुला में पिछले कई दिनों से किसान मंडियों को लेकर किसानों व मजदूरों द्वारा लगातार पंचकुला उपायुक्त से गुहार लगाने के बाद कल के दिन लोकल मंडियों को खोल दिया गया था। तो वहीं मंडियों को खोले जाने के बाद नगर निगम व अन्य विभाग मौके पर पहुंच उन मंडियों को बंद करवाने लगे, जिसके की बाद आपसी तनातनी के बाद एक बार फिर मामला पहुँच जाता है पंचकुला उपायुक्त कार्यालय में, जहां पर ब्लॉक अध्यक्ष गुरजंट सिंह व कई किसान व मंडी मजदूर इकट्ठे हुए और पंचकुला उपायुक्त कार्यालय में लिखित ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए पहुंचते हैं। मामला आपको बता दें कि बीते 2-3 बार जब जिला पंचकुला से किसानों द्वारा मिला जाता है और अंत में उन्हें मंडियों को खोलने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके निगम उन मंडियों को बंद करवाने पहुँच जाता है और उनसे मंडियों को खोले जाने का ऑर्डर मांगते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर डीसी पंचकुला से मिलकर ऑर्डर की कॉपी व मंडियों के खोले जाने का आदेश लेने को लेकर मिलने पहुंचे पंचकुला उपायुक्त कार्यालय। आज डीसी साहब को मिलने आए हो, क्या मामला है? सर, ये लास्ट डे हम यहाँ पे आए थे शुक्रवार को, आज से हफ्ता पहले की बात है। तो हमारे जो भाई हैं, हमारी किसान मंडी है जो अपना सेक्टर वाइज लग रही है, वो बंद थी कोविड की गाइडलाइन की वजह से। तो आज हमारे डीसी साहब से हम ये लिखित तौर पर लेने आए हैं कि हमारी मंडियों को कंटिन्यू चलने दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं या हो रहे हैं सेक्टरों में बड़े पदों पे हैं, वो ना डिस्टर्ब। तो पहले आपको आश्वासन मिल चुका था? बिल्कुल सर, आश्वासन मिल चुका था कि मंडियाँ खोलने हैं अब सोमवार से। तो आज हमारी पहली मंडी है, मंगलवार से हमने शुरुआत की है। तो वहाँ पर कुछ अधिकारी आके रुक रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके पास क्या प्रमाण है, किसने आपको मंडियाँ खोलने का अधिकार दिया। तो हमने अपनी जो न्यूज़ में कटिंग आई थी पत्रकार को, वो जो पत्रकार अमर उजाला है दैनिक भास्कर की कटिंग, हमने दिखा दिया कि हमें परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, तो अब लिखित रूप में लेने आए हैं? हाँ जी, लिखित रूप में आज परमिशन लेने आए।